get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Hello, student. Today my topic name is puberty. And what is the puberty? Firstly, I define it. The age at which the sex hormones begin to be produced and the boy and girls become sexually mature is called the puberty. It means wo age jab sex hormones, chahe wo boys ho chahe wo girls ho, usme start ho jata hai, jiski wajah se wo sexually mature ho jate hain. It means secondary sex characters are developed. So this condition is known as the puberty. Now, what are the changes in boys and girls during the time of puberty? You see it. In boys, puberty time is there the 13 to 14 years, and girls time is there the 10 to 12 years. It means in this age they are mature for the sexual characters. Now, see the next point is there in boys and girls. Both are comparative point term written in here. First point you see, in first point, testosterone, it means in boys, you see, testosterone and other hormones causes physical changes. Kyunki inka secondary sexual organs, it means testis jo hota hai, wo boys mein develop hona shuru ho jata hai, jisse testosterone hormones ka secretion hota hai. और इस हॉर्मोन्स की वजह से उनके बॉडी के अंदर बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आपको दिखाई देते हैं. इन गर्ल्स हेयर ग्रोथ इन अंडर आर्म्स एंड द प्यूबिस. इसमें क्या होता है कि जो गर्ल्स होती हैं उनमें भी हॉर्मोन्स का सिक्रीशन होता है. क्यों? क्योंकि उनमें भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स आर ऑल्सो आर डेवलप. ओवरी जो होती है डेवलप हो जाती है, जिससे हॉर्मोन्स का सिक्रीशन होना शुरू हो जाता है. तो उनमें क्या होता है कि हेयर ग्रोथ इन अंडर आर्म्स, मतलब आर्म्स के अंदर, आर्म्स के नीचे, यहाँ पे सपोज दैट ये बॉडी है, दिस वन इज द आर्म्स. तो अंडर आर्म्स के अंदर, मतलब यहाँ पे हेयर्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है. नाउ इन प्यूबिस हेयर आल्सो प्रेजेंट ऑन देयर द वल्वा. वल्वा के अपर साइड में जो प्यूबिस स्ट्रक्चर है उसमें आपको यहाँ पे हेयर्स दिखाई देना शुरू हो जाएंगे. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इन द बॉयज, द सेक्सुअल ऑर्गन्स स्टार्ट ग्रोइंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर रिप्रोडक्शन. जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, इट मीन्स दैट आर टेस्टिस, दे कैन बी डेवलप ग्रोइंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर द रिप्रोडक्शन. नाउ नेक्स्ट इज द इन गर्ल्स, breast development, secondary sex organs are developed. These things are developed in the girls. Now increase in height and weight in boys. Suddenly puberty के बाद बहुत तेज़ी से height में increase होने लगते हैं और उनकी body developing properly हो जाती है. Now in ovaries में, in girls में ovaries grow larger. Ovaries जो होती है वो बड़ी हो जाती है, start producing the hormones. Hormones का secretion करने लगती है. In fourth are there, hair grow in the pubic area, the underarms and the face and the legs. Boys में भी क्या होता है कि pubic area, it means pelvic region पे जो होता है वो, it means penis के ऊपर hairs और उनके side में जो होते हैं hairs आना शुरू हो जाते हैं, arms के नीचे आना शुरू हो जाते हैं, face पे it means chin के पास दाढ़ियाँ, मूँछ का आना, ये सब, legs पे hairs आने लगते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बॉयज़ में होती हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. नाउ इन मेंस, गर्ल्स आर देयर द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट, गर्ल्स में जो होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है. मंथली वो पीरियड्स होने लगती हैं, क्यों? ओवरी जो होता है वो ओवम का डिस्चार्ज करने लगता है, जिसकी वजह से पीरियड्स ऑलरेडी होते हैं. तो ओवन डिस्चार्ज होने की वजह से वो फर्टाइल तो नहीं होता है, तो फर्टाइल ना होने की वजह से वो मेंसेस के रूप में डिस्चार्ज होते हैं. नाउ फिर जो गर्ल्स होती हैं उनमें हिप्स जो होती है वो वाइडन, मतलब चौड़ी होती है. हाइट और वेट जो होते हैं इंक्रीज उसी टाइम तक हो सकते हैं. सो ड्यू टू द चेंजेस इन द बॉडी स्ट्रक्चर, और बॉडी फीचर्स में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं. बॉडी का शेप डेवलपमेंट, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है, बॉडी में कट्स आना शुरू हो जाते हैं. तो ये सारे फीचर्स जो होते हैं वो गर्ल्स में होते हैं. नाउ
वॉइस में द वोकल कॉर्ड चेंजेस द वॉइस ग्रो डीपर सम डेवलप एक्ने। वॉइस की जो आवाज़ होती है उसमें थोड़ा सा भारीपन आ जाता है और कुछ मतलब पिंपल्स वगैरह ये सारी चीज़ें आने शुरू हो जाती हैं। गर्ल्स में क्या होता है कि स्वेट ग्लैंड्स जो होती हैं वो बहुत एक्टिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऑलरेडी उनमें भी पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम्स अराइज होने लगती हैं। तो ये सब ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस इन द बॉडी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, मेल एंड फीमेल बोथ आर अफेक्टेड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज देयर द मेस्टुरल साइकिल। सो दिस वन इज द मेस्टुरल साइकिल। मेस्टुरल साइकिल इज अनदर नेम इज देयर द सेक्शुअल साइकिल। सो इन दिस साइकिल दिस वन इज अकल इन द फीमेल प्राइमेट्स। सो इट ऑकर्स इन द फीमेल प्राइमेट्स एट द प्यूबर्टी एज 10 to 12 years। 10 to 12 years इन फीमेल्स, मतलब 10 से 12 साल में जब प्यूबर्टी की एज होती है तब ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है। द फर्स्ट मेस्टुरल साइकिल बिगिन विच इज़ कॉल्ड द मेनार्च। इट मीन्स जब पहली बार एक फीमेल पीरियड्स होती है, मतलब पहला पीरियड जो आता है, तो फर्स्ट पीरियड आ दे द बिगिन दिस कॉल्ड द मेनार्च। दिस वन इज द मेनार्च। तो जब पहली बार पीरियड होगी फीमेल तो उसे हम टर्मिनोलॉजी देते हैं मेनार्च। देन द ड्यूरेशन ऑफ मेस्टुरल साइकिल इज 28 days। मेस्टुरल साइकिल जो होती है वो मंथली होती है, मंथली 28 days के बाद। इट मीन्स आज आप फर्स्ट को हुए हैं तो नेक्स्ट मंथ आपका 28 days के बाद फिर हो। सो वन ओवम इज रिलीज ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द साइकिल। जब मिड टाइम आता है तो उस समय वन ओवम जो होता है वो रिलीज होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 phases, फॉलिकुलर, ओव्यूलेशन एंड मेस्टुरेशन। 3 phases आर देयर। तो मेस्टुरल साइकिल में 3 phases होती हैं, फॉलिकुलर, ओव्यूलेशन, मेस्टुर। आपको बहुत डिटेल में उतना समझाऊंगी, पहले आप इतना जानें कि कब होता है मेस्टुरल साइकिल, होता क्या। मेस्टुरल साइकिल इज देयर द फीमेल प्राइमेट्स में ऑकर्स होती हैं 10 to 12 years एट द एज ऑफ प्योवर्टी के टाइम होती हैं। मेस्टुरल साइकिल जो होती है जब फर्स्ट मेंसेस आता है दे विल बी स्टार्ट ऑन दैट टाइम, दिस कॉल्ड द मेनार्च। एंड द ड्यूरेशन टाइम ऑफ मेस्टुरल साइकिल इज द 28 days। इन वन मेस्टुरेशन वन ओवम आर रिलीज्ड। सो 3 phases कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलिकुलर, ओव्यूलेशन एंड मेस्टुरेशन। नाउ नेक्स्ट टर्मोलॉजी इज देयर द मीनोपॉज। वॉट इज द मीनोपॉज? मीनोपॉज इज देयर द मेस्टुरेशन कॉन्टिन्यू मिडिल एज अंटिल मीनोपॉज। देखिए मीनोपॉज इज देयर द जब मेस्टुरल साइकिल स्टॉप हो जाती है ड्यूरिंग द एज ऑफ देयर 48 and 50 years। जब 50 years तक मेस्टुरल साइकिल स्टॉप होती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मीनोपॉज। द कॉजेस ऑफ मीनोपॉज इज द एजिंग ऑफ द ओवरीज व्हेन फॉलिकुलर्स नो लार्जर मैच्योर एंड एस्ट्रोजन लेवल डिक्लाइंस। उस समय क्या होता है कि जब मीनोपॉज की कंडीशन आती है तो उसमें जो ओवरीज होती हैं वो मतलब फॉलिकुलर्स जो होंगे वो मैच्योर नहीं होते हैं और एस्ट्रोजन लेवल जो होते हैं वो घट जाता है। क्यों? क्योंकि ओव्यूलेशन के टाइम ही एस्ट्रोजन लेवल जो होता है वो हॉर्मोन्स का सिक्रेशन होता है, वो उसी पीक पॉइंट पे होता है। नाउ वी डिस्कस विथ यू डिफरेंट फेजेस ऑफ द मेस्टुरल साइकिल एंड व्हाट इज द इवेंट्स आर देयर, देन लेट्स डिस्कस इन द नेक्स्ट। सो दिस वन इज द इवेंट्स ऑफ मेस्टुरल साइकिल। इन मेस्टुरल साइकिल रिटन इन हेयर द 4 इवेंट्स। वन आर एडेड इन द ओव्यूलेटरी फेज। मैंने आपको पहले 3 phases बताए थे बट दे आर द 4 phases। वन आर एडेड इन द ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज टाइम देयर इज द 14 day ऑफ दिस फेजेस। सो वी विल डिस्कस द फर्स्ट फेज। दिस वन इज द मेस्टुरल फेज। इन मेस्टुरल फेज इज ऑल्सो नोन एज द ब्लीडिंग फेज बिकॉज 1 to 5 day फॉर ब्लीडिंग टाइम। इस समय ब्लड जो होता है वो वेजाइना से फ्लो होता है, जिस उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन फ्लो। सो मेंस्ट्रुअल फ्लो कंडक्ट मतलब किन चीज़ों से कंसिस्टिंग होता है। इसमें एंडोमेट्रियम टिश्यूज़ होते हैं जो ब्रेक डाउन हो चुकी होती, टूटी हुई, अनफर्टिलाइज्ड ओवम होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं।
आपने ये देखा होगा कि जो यूट्रस होता है, यूट्रस की जो इनर लेयर होती है उससे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, दिस वन इज़ द एंडोमेट्रियम। ये जो होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है। इससे यहाँ पे जो ओवम आया रहता है वो भी ब्रेक डाउन हो जाता है, क्योंकि ये अनफर्टिलाइज ओवम है। इट मीन्स फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्रेगनेंसी हो जाती है, अगर स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं हुआ तो उस ओवम को हम अनफर्टिलाइज ओवम कहेंगे। सो इन दिस टाइम द प्रोजेस्ट्रॉन प्रोडक्शन इज रिड्यूस। उस समय प्रोजेस्ट्रॉन का जो प्रोडक्शन, प्रोजेस्ट्रॉन इज अ हॉर्मोन्स, जो इनका प्रोडक्शन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। नाउ नेक्स्ट फेज इज देयर द फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज जो होता है वो 6 to 13 days, इट मीन्स आफ्टर द मेस्टुरेशन फेज दे आर स्टार्टिंग द फॉलिकुलर फेज। इन फॉलिकुलर फेज इट मीन्स ओनली अ फॉलिकल्स कैन बी डेवलप इन द ओवरी। सो एंडोमेट्रियम रिबिल्ड्स, यूट्रस के अंदर की जो लेयर होती है वो अपने आप को फिर से बिल्डअप करने लगती है, मतलब वो तो ब्रेक डाउन हो जाती है, तो दे कैन बी रीबिल्ड, फिर से अपने आप को बनाती है। सो एस्ट्रोजन का सिक्रीशन उस समय जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। नाउ नेक्स्ट फेज इज देयर द ओविलेटरी फेज, दिस वन इज दी वन डे, इट्स अ 14 day ऑफ दिस फेजेस। सो इन दिस टाइम एल एच एंड एफ एस एच एट द पीक लेवल, उस समय एल एच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन्स एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स का जो लेवल होता है वो हाई होता है। इस समय एस्ट्रोजन जो होता है ब्लड में ऑल्सो हाई और रिच इन द पीट। इस समय क्या होता है कि जो ग्राफियन फॉलिकल्स, आपने ये ओवरी का डियर सेक्शन देखा था, यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शरी, इस तरीके से, तो जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से उसमें से ओवम जो होता है वो रिलीज हो जाता है इस टाइम पर। सो दिस वन इज द ओविलेटरी फेज। इन ओविलेटरी फेज ओवम आर रिलीजिंग फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल्स, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ओव्यूलेटरी फेज। नाउ नेक्स्ट फेज इज दे आर द ल्यूटियल फेज। अब ल्यूटियल फेज में क्या होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म। कॉर्पस ल्यूटियम, मैंने आपको ये बताया है कि जो टीएस सेक्शन आपने देखा था ओवरी का, उसमें जो ग्राफिन फॉलिकल्स थी उसने ओवम को रिलीज किया, तो जो बचा हुआ सब्सटेंस होता है उसे हम कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। सो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रीशन करता है। कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, और इस टाइम पे एंडोमेट्रियम जो होती है वो थिक हो जाती है। यूट्राइन ग्लैंड्स बिकम अ सिक्रीटरी। नाउ सी द डायग्राम। सो इन दिस डायग्राम यू सी दिस वन इज द मेंस्ट्रुएशन टाइम 1 to 5 days का। उस समय क्या हो रहा है, मेंसेस आपको ये दिखाई दे रहा हो। इस समय वेजाइना से ब्लड जो होता है वो फ्लो होता है, तो दिस वन इज द ब्लीडिंग टाइम। उस समय क्या होता है कि फॉलिकल जो होती है वो धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करती है। ये ओवरी के अंदर का व्यू है, ये आपके यूट्रस के अंदर का व्यू है। यूट्रस के अंदर क्या हुआ, एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन हो गई और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। सो फॉलिकुलर फेज जो होगा उसमें क्या हुआ है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे फॉलिकल्स जो होंगी अपने आप को डेवलप करती है इन मैच्योर फॉलिकल फॉर्म में। आप 14 day में, मतलब 15 day यहाँ पे देखिए ओव्यूलेशन टाइम, जिसमें फॉलिकल्स क्या हो गए, रप्चर हो गए और ओव्यूल प्रोजेस्ट। सो इन नेक्स्ट फेज इज देयर द ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज जो होगी वो 16 से लेके आपका 28 days का होगा। इस समय क्या हुआ कि ओव्यूलेशन के टाइम पे जो ओवम हो गया वो रिलीज हुआ। अब ओव्यूलेशन के टाइम में आप देखें एल एच और एफ एस एच दोनों क्या हैं, पीक लेवल पे हैं। इट मीन्स इस समय उस हॉर्मोन्स का सिक्रीशन जो हो रहा है वो हाई लेवल पे हुआ। अब जो बचा हुआ ओवम रिलीज हो गया है, ओवम निकल गया, ओवम रिलीज होने के बाद जो बचा हुआ सब्सटेंस उसे हम कहेंगे। देन आफ्टर कॉर्पस ल्यूटियम दे आर रिलीजिंग द कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्ट्रॉन हॉर्मोन्स का सिक्रीशन होता है। देन प्रोजेस्ट्रॉन के बाद जो बचा हुआ सब्सटेंस होता है, फिर से एंडोमेट्रियम जो होती है वो थिक हो गई। आप यहाँ पे देख रही है ये एंडोमेट्रियम हमारी थिक हो गई है। सो फॉर द नेक्स्ट मेंसेस के लिए दे कैन बी प्रिपेयर्ड। सो माई टॉपिक इज कम्प्लीट इन हेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।